अगर ये बाबरी मस्जिद गिराई जा सकती है तो ये ताकत के जोर पे फिर बनाई भी जा सकती है। हमारे अंदर इतना दम है, खुद SDPI में तरह इतना दम मौजूद है कि हम 25 लाख लोगों को अयोध्या में इकट्ठा कर सकते। उनसे मेरा निवेदन है कि बहस को ठीक से रखें। इस देश के अंदर बहुत तरह के खतरे हैं, एक नागपुर की नारंगी से भी और हैदराबाद की बिरयानी से भी। मैं बताना चाहता हूं, वो भीड़ की बात न करें, सांप्रदायिक सद्भावना की बात करें, आपसी सद्भावना के आधार पर मंदिर भी बने और मस्जिद भी बने। ये मसला सुप्रीम कोर्ट में है, कोर्ट के माध्यम से फैसला होना है, और इसके आगे पीछे कोई क्या कह रहा है हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार, सुबह के 9 बजे और बड़ी बहस को लेकर के हम हाजिर हैं। और इस वक्त जो बड़ी बहस है वो है, धार्मिक आस्था रखने वाले सभी लोग मानते हैं अंतिम सत्य ये कि राम नाम सत्य है, लेकिन राम नाम अब सत्य से सियासत में बदल गया है। मंदिर और मस्जिद के नाम पर देश की राजनीति दो खेमों में बट गई है और इसमें नया चेहरा जुड़ा है, SDPI यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का। दिल्ली में हुई एक रैली में SDPI के नेताओं ने कहा है कि जिस तरह ताकत के दम पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसी तरह ताकत के दम पर बनाई जा सकती है। तो क्या SDPI हिंदू मुस्लिम भावनाओं को भड़काकर देश को बांटना चाहता है? इसी मुद्दे पर इस वक्त की बड़ी बहस इस सवाल के साथ कि क्या धर्मसभा के जवाब में बाबरी मस्जिद वाली साजिश हो रही है। और अब से ठीक 1 घंटे बाद एक और बड़ी बहस, क्या भगवाकरण के बहाने साई पर सियासत हो रही है? लेकिन पहले इस वक्त बहस इन सवालों के साथ, क्या धर्मसभा के जवाब में बाबरी मस्जिद वाली साजिश हो रही है? अयोध्या में 5 लाख के जवाब में 25 लाख की भीड़ की धमकी क्यों दी जा रही है? क्या अयोध्या में अशांति के लिए केरल में लाल साजिश तैयार हो रही है? क्या बाबरी मस्जिद के बहाने देश को बांटेगा SDPI और SDPI पीएम मोदी के खिलाफ सियासी साजिश कर रहा है? तमाम मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और बाहर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम आपका तारुफ कराना चाहते हैं। जयराम विप्लव है जो कि बीजेपी के नेता है, हमारे साथ सुनी चोपड़ा है CPM के नेता, आचार्य विक्रमादित्य हैं स्टूडियो से धर्मगुरु, और हाजिक खान है जो कि इस्लामिक विद्वान है। हाजिक खान साहब स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल खान साहब मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ, सर ये कौन है SDPI? क्योंकि मैं भी, आपने भी देखा, आपसे भी वहाँ बात हो रही थी, मैं भी तमाम जगहों पर होकर के आया, मैं भी तमाम मुस्लिमों को जानता हूँ। कोई किसी के साथ हो या अगेंस्ट हो ये हो सकता है, लेकिन एकाएक है इस मुस्लिमों का इस देश में, मैंने देखा है कम से कम, वो बाबरी के नाम पर तो साथ नहीं है। तो ये जो बाबरी के नाम पर 5 से 25 करने की बात कह रहे हैं, ये कौन है सर, आप हैं उनमें से? देखिए SDPI के नेता क्या कह रहे हैं, इसको खाली सारे मुसलमानों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। नंबर एक बात तो ये मैं सचिन जी आपसे कहूँगा, रही के बाबरी के नाम पर हिंदुस्तान में लोग राजनीति करते हैं और हर आदमी चाहता है कि मैं राजनीति कोई मुकाम हासिल करें। उस तरह के लोगों के जो बयान आते हैं वो देश विरोधी बयान होते हैं, देश के खिलाफ बयान होते हैं, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों। देश हमारा एक है, एकता के साथ बना है, भाईचारे वाला मुल्क है, गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है, यहाँ 8 भाषाओं के लोग रहते हैं और पिछले 70 साल से बड़े प्रेम से रहते हुए आ रहे हैं और इससे पहले भी रहते थे। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तां हमारा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदोस्तां हमारे, हम हिंदी हैं हिंदुस्तान के हैं। बिल्कुल ठीक बात है आपकी बात, क्योंकि मैं आपको उस लिस्ट में रखता ही, तभी मैंने आपने पूछा ना, आपने कहा और ये 2-4, 1-2% तो हो सकते हैं, ये 25 लाख की बात करते हैं, 25 लोग ना आए, ये कम से कम ऐसी नुमाइंदगी तो नहीं कर सकते। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि बाकी जो मुस्लिम वर्ग है जिसके नाम पर ये कोशिश की जाती है कि वो तो बाबरी के साथ खड़ा है, वो आपसे सौहार्द नहीं चाहता, वो राम कहाँ जन्म हुआ, ये तमाम चीज़ें इस पर सवाल उठाता है,
उन सब 1-2% को ऑड वन आउट क्यों नहीं कर देता बाकी मुस्लिम समाज, क्यों नहीं इकट्ठा हो जाता, क्यों नहीं कह देता कि भैया ये नुमाइंदगी है, ये कुछ 2-4% की दुकानदारी, हम नहीं है, वो इकट्ठा मैंने होता क्यों नहीं देखा आज तक। देखिए जो जिस पार्टियों में है, कांग्रेस में है, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी, बीएसपी, कम्युनिस्ट पार्टी में, जो जो लोग अपनी पार्टियों में है वो अपने हित के और अपनी पार्टी के हित में बोलते हैं, वो उन्हें रास्ते लेता है उन्हें सत्ता का भोग हासिल करने के लिए देश को किसी भी तरफ ले जाने की कोशिश कर सकती है। इसलिए हम ये देश के लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे किसी भी आदमी के जो भड़काऊ बात करे, देश को तोड़ने की बात करे, देश के भाईचारे को जलाने की बात करे, गंगा जमनी तहजीब को जलाने की बात करे, ऐसे किसी भी आदमी के, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के भी बेकाबे में नहीं आए, क्योंकि हमारा मुल्क दुनिया के एक अच्छे मुल्क है। फतवा किसने मना किया, इनके इनके खिलाफ फतवा निकालिए, निकालिए रहमान साहब, फतवा देने, फतवा देने का काम देवन का है, लाउडस्पीकर से लेकर ये सवाल मुझसे नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा सर, आप इतने आलिम आदमी हैं सर, तमाम फतवों को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के आप अपने मुखर बातें रखते हैं। मैं तो कह रहा हूं आपको कंडेम रखना चाहिए, आपको कहना चाहिए कंडेम रखना चाहिए, मैं तो कंडेम कर रहा हूं, स्टूडियो में बैठ के कंडेम क्या होता है, आचार्य विद्वान देते हैं, मैं ये कह रहा हूं ना, फिर कम से कम कुछ तो ऐसी चीज है सोशल फैब्रिक की जिसे डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है, जैसे लगता है कि नहीं हाँ ठीक है सामने वाला भी मानने लगा है, या फिर बात जो है एक मंच पे आ जाती है, वैसे कहना कि ऐसी कोई ताकत खड़ी होती है, और कंडेम जरूर होता है स्टूडियो से, लेकिन कंडेम कर दिया पहले राउंड में कर दिया, कंडेम से कुछ होता नहीं, मैं देश से अपील कर रहा हूं कि ऐसे आदमी की बात भी नहीं सुनो, ऐसे आदमी की मैसेज को भी मैं सुनो ना अखबार में, दो ऐसे हाजी साहब ने बहुत अच्छी बात बोली, पर एक बात साथ में अगर जोड़ देते कि वहां पर मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि ये बात वास्तविक तौर पे क्या है कि हम मुखते तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं और अगेंस्ट में कुछ लोग राजनीति चमकाने के, कनुमानी साहब मैं एक बात बता रहा हूं कि ये रहमानी साहब वहां पे 5 आदमी क्या 25 आदमी इकट्ठे नहीं कर सकते, 25 जो 5 लाख की बात कर रहे हैं, 25 लाख की बात कर रहे हैं, वह 25 आदमी नहीं जाएंगे इनके साथ, और इस देश को वास्तविक तौर पर सत्य मानना चाहिए। हाईकोर्ट ने इस तथ्य को आज आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से वहां प्रूव कर दिया है कि वो जगह रामलला की जन्मभूमि है, तो अब वहां पर बंटवारे का सवाल होता ही नहीं है, इस बात को साफ साफ इस देश के लोगों को समझ लेना चाहिए। और अब 1527 वाला समय नहीं है कि आप ताकत के बल पर वहां कर लें, आज बार बार हमको 1992 की बात कही जाती है, 1992 में जो घटना घटी वो हिंदू धर्म की वास्तविक तौर पे उसका मुख्य कारण था, मुलायम सिंह ने वहां पर जो कार से वो गोली चलाई थी उसके कारण से, नहीं तो हिंदुस्तान आज संवैधानिक देश है, इसके अंदर 1527 वाली घटना दोबारा नहीं दोहराई जा सकती, इस बात को साफ साफ तौर पर हर व्यक्ति को समझ लेना चाहिए। आज ताकत के बल पर जिस प्रकार से जो पुराने जमाने में जो आप लोगों ने इस देश में हाल किया था, एक नहीं तमाम देश के अच्छे अच्छे जितने हिंदू धार्मिक स्थल थे उन सबको विध्वंस कर दिया गया, आप इस बात को समझ लें, ऐतिहासिक तथ्य है कि आज एक हिस्टोरियन गोयल साहब ने इस बात पर किताब लिखी है, 2000 मंदिर हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनको विध्वंस कर उनके ऊपर मस्जिद खड़ी की गई, उनका रिकॉर्ड है, और साथ साथ आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। मुझे एक बार बताइए कि वहां इराक के अंदर, पर्शिया के अंदर आज भी ISIS ने मस्जिद लूट ली, उसमें तो किसी ने कुछ नहीं बोला, आचार्य विक्रमादित्य, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह की बात तो, अगर ठीक है मैं वहां पे SDPI की बात कर रहा हूँ कि अगर वो धमकाने की साजिश हो रही है तो यहाँ पर चली ठीक है धर्मसभा होती, लेकिन वहां पर भी तो 2-4-5 संत अगर आकर के या फिर कुछ लोग आकर के अगर अलग एजेंडा से वहां पर भी कह देते हैं कि देखिए यहां पर किसी को होने नहीं दिया जाएगा, जब मालूम है कि मामला कोर्ट में है, संविधान के तहत बातें हो रही हैं, तो ऐसे में अगर सामने की तरफ आएगी तो इसका मतलब दूसरी तरफ से भी प्रोवोक करने की बात हो रही है ना, कोर्ट तो अपना पल्ला झाड़ के एक तरफ खड़ा हो गया, ये संयम तो दोनों अहमियत ही नहीं है इसको, लेकिन आचार्य विक्रमादित्य ये संयम तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना, संयम किस तरह से होना चाहिए, संयम कब तक रहेगा, 100 साल हो गए इस देश में केस चलते हुए, उसके बाद भी आप संयम की बात कर रहे हैं, संयम की एक लिमिट होती है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन सुनील चोपड़ा जब लॉ एंड ऑर्डर सरकारों की जिम्मेदारी है, फिर ऐसे में कौन सी ऐसी ताकतें, या फिर माना जाए कि केरल कहीं ना कहीं एक प्रयोगशाला बन गया है, PFI उठ करके जो है ISIS की बात कर देता है, यहां पर SDPI कह रहा है कि 5 की जगह 25 लाख मुसलमानों को भेज देंगे, सर ये क्यों भड़कने दे रहे हैं, क्यों इस तरह की आवाजें उठने दे रहे हैं, और खासतौर से केरल ही क्यों प्रयोगशाला बन रहा है यहां पर हिंदू मुस्लिम के बीच डिवाइड की, केरल प्रयोगशाला नहीं है हिंदू मुस्लिम डिवाइड का, प्रयोगशाला तो आपके पूरे देश में ये सरकार बना रही है, कल आपने देखा नहीं 10 साल हो गए मुंबई के मैसेकर की, पाकिस्तान ने मैसेकर किया और पाकिस्तान के गुण गाए जा रहे थे उधर करतारपुर साहब के सामने, शुक्र है कि चीफ मिनिस्टर
जो कि सिख हैं और सोल्जर हैं, उन्होंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा जब तक तुम मेरी सेना के लोग मार रहे हो। ये धर्म और राजनीति मिलाने वाले धर्म को भी ध्वंस कर देंगे, राजनीति तो इनकी फेल हो ही जाएगी इन इलेक्शंस में। विप्लव यादव, आपको लगता है कि बड़ी अच्छी बात लगता है कि यहाँ पर जयराम विप्लव जब यहाँ पर बात करते हैं सुनील चोपड़ा की राजनीति और धर्म, राजनीति और धर्म का कॉकटेल किया किसने लेफ्ट से ज्यादा, कोई अच्छे से बता सकता है बताइए। नहीं, ये बहुत ही हास्यास्पद बात, लेफ्ट ने नहीं किया है कभी। सुनील चोपड़ा जी, आप केरल में किस प्रकार की मर्डर पॉलिटिक्स करते हैं, पीएफआई और एसडीपीआई के साथ किस प्रकार लोकल बॉडी में आप गठबंधन कर रहे हैं, कुर्सी का मजा ले रहे हैं। 2001 से सुनिए, आज देश को तथ्य जानना जरूरी है। 2001 से 2017 तक 120 भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या आपने की। एसडीपीआई और पीएफआई को एनआईए चार्जशीट करती है, उनके 24 लोगों को पकड़ती है, किस जुर्म में? आर्म्स ट्रेनिंग कैंप चलाने का, और आर्म्स उनके यहां से बरामद होते हैं और आपकी सरकार वहां बैठ करके तमाशा देख रही है। आप चुनावी फायदे के लिए एसडीपीआई और पीएफआई जैसे संगठन को केरल में पनपने दे रहे हैं और आज आप बात कर रहे हैं, अरे किस मुंह से आप बात कर रहे हैं? देश में आज आप कहीं नहीं बचे, केरल का किला भी जल्दी ढहेगा क्योंकि इस देश में देश विरोधी गतिविधियां नहीं चलेंगी। सचिन भाई, मैं मुद्दे पे आना चाहता हूँ। सुनील जी की बात का जवाब दे दिया हमने, आप दोनों बातों में एक अंतर देखिए। अयोध्या में संतों ने एक अपनी धर्म सभा की और उसके उत्तर में ये 5 से 25 लाख की भीड़ जुटाने की बात करते हैं, तो दोनों संगठनों के चरित्र को भी देखना चाहिए। आपने कहा दोनों पक्षों को बैलेंस रहना चाहिए, इनका चरित्र क्या है आप जान लीजिए। ये जो सोशल डेमोक्रेटिक एसडीपीआई ये संगठन है, ये पीएफआई द्वारा 2009 में स्थापित किया गया है और ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आतंकवादी विकिपीडिया कहता है कि आतंकवादी और अलगाववादी संगठन है, तो इनके ऊपर हम कैसे विश्वास करें? जयराम विप्लव, मुझे एक बात बताइए, हरिका साहब उसके बाद जवाब दीजिएगा, एक सेकंड। जयराम विप्लव, मुझे एक बात बताइए कि वहां पर क्यों इकट्ठा हुए संत, या फिर वीएचपी ने क्यों वहां पर कहा कि हम 5 लाख लोग इकट्ठा कर लेंगे? इसलिए कहा ना कि वहां पर स्थिति साफ नहीं हो रही है। क्यों कह रहा है यहां पर लगातार संघ, क्यों कह रहा है कि यहां पर कानून लाना चाहिए? असल में कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि मंदिर के इशू पर सरकार या तो फेलियर नजर आ रही है, या फिर उसकी कोई पॉलिसी नहीं है, या फिर वो कंफ्यूज है। अगर वो नहीं होती, ना वहां 5 लाख इकट्ठा होने की जरूरत थी, ना फिर ये जवाब में कहते 5 से 25, क्योंकि आप लोगों का स्टैंड क्लियर नहीं है। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, मंदिर वहीं बनेगा, संवैधानिक तरीके से बनेगा, और ये हमने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है। विप्लव, क्योंकि लोग कहने लगे हैं जयराम विप्लव आपको कि आपने सिर्फ और सिर्फ सियासी तौर पर इसका यूज किया और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चिंगाड़ी भड़काने का काम किया, वरना तो अब तक जो है कई सलूशन लेकर के आते हैं। थोड़ा सा पीछे ले जा रहा हूँ, 2014 के चुनाव को याद करिए, क्या वो चुनाव हमने राम मंदिर के मुद्दे पर लड़ा था? नहीं, हमारी पार्टी जब से अस्तित्व में आई है तब से राम मंदिर, सुनिए ना, जब से हमारी बिल्कुल मुद्दा है, जब से हमारी पार्टी अस्तित्व में आई है तब से राम मंदिर हमारे आस्था का विषय है, हमारे घोषणा पत्र में शामिल है, लेकिन हम उसके आधार पर चुनावी राजनीति नहीं करते हैं। जब दो थे तब राजनीति विषय था, 282 हो गए तो आस्था का हो गया। आज सचिन भाई, मैं 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अगर सिर्फ आस्था का होता, बिल्कुल हमने नहीं ठगा है, हम हिंदुओं की भावनाओं के साथ खड़े हैं, वहां पर मंदिर बन गया होता, अब तक मंदिर जरूर बनेगा। देखिए, रामचंद्र जी बाबरी मस्जिद का मसला और राम मंदिर का मसला जो है 89 से भारतीय जनता पार्टी ने इसको उठाया और भारतीय जनता पार्टी 2 से 288 तक पहुंची। ये आज ये कहते हैं कि इस कानून और संविधान के दायरे में मंदिर बनेगा। परसों एबीपी की न्यूज़ पर इनके उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मौर्या जी कह रहे थे कि मंदिर 2019 से पहले से नहीं बन सकता। देश के 90 करोड़ हिंदू भाइयों को सोचना होगा कि ये मंदिर बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते। दूसरी बात ये, जिस दिन एनडीए पिछली बार आई, 6.5 साल अटल बिहारी भाई, 13 दिन 13 महीने और 5 साल और फिर 5 साल 11 साल इन अगर पॉलिटिशियंस को छोड़ दे, मैं ये कह रहा हूं कि क्यों मौका यहां पर मुसलमान एसडीपीआई को देता है, क्यों यहां पर आचार्य विक्रमादित्य मौका यहां पर बीजेपी को मिलता है कि उसका इशू है? अगर आस्था का इशू है तो दोनों मिल बांट के बैठा लीजिए, या फिर यूं कहें कि संतों को भी, या फिर मौलानाओं को भी, या फिर मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी ये सोशल सियासत सूट करती है। हम सियासत नहीं कर रहे, हमने कोई सियासत की नहीं, ठीक है। अगर मंदिर के पक्ष में है, अगर अपडेट, तो कम से कम आस्था का विषय है तो ये सोल्यूशन बैठ चुके। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि
दोनों फरीक बैठ के इस मसले को हल कराएं, लेकिन जब बैठक हुई तो दोनों तरफ से बात नहीं बनी, इसलिए मुसलमानों ने कहा कि हम कोर्ट पे आस्था रखते हैं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है इसको छोड़ देना चाहिए, सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है इसको नहीं क्लेम करना चाहिए। मैंने तो आज तक नहीं सुना आपको कहना चाहिए, अगर आपको लगता है कि हिंदुओं की आस्था इतना बड़ा विषय है तो आपको कहना चाहिए ना। इस तरह की दुकानें तो गलत को बंद हो जाए, लड़ाई चल रही है तो कैसे छोड़ दिया जाएगा? बात यह है कि कोर्ट में चल रही है लड़ाई, क्यों नहीं कह सकते आप दोनों बात कर रहे हैं? हाई कोर्ट में तीन जगह बात है, ऐतिहासिक तथ्य क्या है उस जगह के लिए? ऐतिहासिक तथ्य क्या है आप लोग का? आप लोग का ऐतिहासिक तथ्य है कि बाबर इस देश में आके अंत तक बाबर के दरबार पे आया और उसने आक्रमण किया और उसने जब देश ने उसको पनाह दी। आप जो व्याधि कर रहे हैं, बाबर आया नहीं, बुलाया गया। अरे किसने बुलाया बाबर? बाबर आया नहीं, बुलाया बुलाया बाबर से लिखाई है और उनकी मदद भी लिया है। वो इस बड़ी एक राय को प्रयास कर रही है, आज भी बाबर का नाम अंदर रखने का प्रयास कर रहे हैं। बाबर इस देश का लुटेरा था, इस देश पे आक्रांता था, इस देश को विध्वंस करने आया था। ये एक ऐतिहासिक मुख्य कारण बाबर आया था तो अपने साथ फौज लेके आया था, औरतें नहीं आया था, यहाँ पर रहा और उसने अपनी औलादे पैदा करी। ये वही औलादे हैं जो आज अपने नाजायज बापों के कारण से ये बात को प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात को सत्य रूप से समझना चाहिए। बाबर की औलादे बाबर आक्रांता था, हिंदुस्तान का रहने वाला नहीं था, हिंदुस्तान का आक्रमण करने आया था। यही कारण है। फिर आप कहते हैं क्यों नहीं मानते हैं? फिर आप कहते हैं कि देश के रामलाल जनसरी को नहीं मानते राजी है? नहीं, फिर आप कहते हैं यही आप झूठी अगर आप यहाँ पे कहते हैं कि आस्था के नाम पर आप भी अगर पेशेंस लूज कर जाते हैं तो कहना कि सामने वाला भी ये कहता है 500 साल हो गए इस देश के सामने वाले को इस बात पर सामने वाले को उसके बाद मान के राजी नहीं है। सचिन भाई अगर ये बता दें कि सचिन भाई दंगे करवा रहा कौन चाहता है? दंगे मुझे बताइए ना, कब तक रोके जाएंगे इस देश में? अगर ये देश जिस प्रकार से अड़ियल बने के साथ से कुछ लोगों के कारण से नहीं सामने वाला कहेगा मैं भी सिविल राइट की तरफ जा रहा है। जयराम विप्लव जी यहाँ पर इधर से बैठ के भी धमकी आएगी, सामने वाला कहेगा मैं भी प्रोवोक होता हूँ और बीच में जयराम विप्लव कहेंगे हमारे लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। बिल्कुल हमारे तो लिए मुद्दा है और मैं दो टूक शब्दों में आपके माध्यम से सरकार के बस का नहीं है। एसडीपीआई और पीएफआई को चेतावनी देना चाहता हूं। चेतावनी से क्या होगा? सरकार ने इस देश में कानून का राज है। चेतावनी से क्या होगा? अगर वो सरकार में तो एक्शन लीजिए। अगर इस देश में कोई भी इस प्रकार की धमकी दे करके मजहबी बलवा खड़ा करना चाहता है, देश को बांटने की कोशिश करेगा तो सुनिए उनसे। सुरक्षा बलों में हमारी इतनी काबिलियत है, आज उन्हें पता होना चाहिए कि फैजाबाद अब पुनः अयोध्या बन गया है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और इस प्रकार के किसी एजेंडे को हम चलने नहीं देंगे। अगर कोई भी इस प्रकार की हरकत करता है तो कानून अपना काम करेगा। रही बात संतों की, तो संतों ने यह दिखा दिया कि उनका चरित्र और संस्कार क्या है। शांति पूर्वक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके उन्होंने अपनी बात रखी है, लेकिन उसके प्रत्युत्तर में अगर कोई इस प्रकार की धमकी देगा तो सरकार कतई बर्दाश्त करने वाली नहीं है। गुंडा राज है। बोलिए सुनील चोपड़ा। अरे सुनील चोपड़ा जी किस प्रकार की गुंडा राज की बात करते हैं? और 2001 से 2017 तक आपने 120 लोगों की हत्याएं की केवल इसलिए क्योंकि वो आपकी विचारधारा के विरुद्ध इत्तेफाक रखते थे। अरे लोटियां सरकार और नहीं चलने वाली है और नहीं चलने वाली है। सबरीमला पर केरल में जो आपने हिंदुओं का हाल किया है वो पूरे देश के समक्ष है। पूरे देश में आप लोगों ने ऐसा व्यवस्था बना दी, एफिडेविट गलत फाइल किया। आज बोर्ड की तरफ से जो आपने एफिडेविट फाइल किया उसको बिल्कुल पलट दिया केस को। आप लोगों ने वहां कह दिया कि सबरीमला मंदिर हिंदुओं का नहीं, वहां ईसाइयों का भी, मुसलमानों का भी। आज धार्मिक मामलों में जिस प्रकार से राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, पूरे केरल में हिंदू समाज के आपने नाक में दम कर रखा है, आपने जबरदस्ती हमारे धार्मिक मामलों के अंदर इंटरवीन करने का प्रयास किया है। आप लोगों ने 1992 में जो एफिडेविट जेल में डाल दिया है आपकी सरकार ने बन किया था उससे बिल्कुल उलट करके केवल अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से अपने वोट बैंक को सेकने के लिए आप लोगों ने वहां पर जो स्थिति बनाई है वो एक ऐसे निंदनीय कार्य है जिसको स्थिति है। ठीक है मुझे हमने जो फ्लड का काम किया है ठीक है चोपड़ा जी आपको रोक दूंगा। आचार्य विक्रम
विक्रमादित्य ने जो सवाल आप पर उठाया हिंदू विरोधी होने का, या फिर मैं जिस सोशल फैब्रिक की बात कर रहा हूं कि उस सोशल फैब्रिक को बिगड़ने से क्या किसी खास वोट बैंक का फायदा होता है, आपसे शुरू करूंगा चोपड़ा साहब। हाँ जी खान साहब, मेरा सवाल यही है, अगर आज जो फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं और कहीं ना कहीं आप भी इसी चीज की बात करते हैं कि ये आस्था का मामला है, ये वोट से इसे मत जोड़िए, यहां पर सियासी पार्टियां इस पर वोट की सियासत करते हैं, ये SDPI या फिर कहूं कि तमाम और पॉलिटिकल पार्टीज, या कहीं ना कहीं मैं कहूं कि यहां बीजेपी भी, जिसके लिए अगर ये मुद्दा नहीं था वो कहती आई है लेकिन सियासत उसने भी की है, इन सबकी दुकानें बंद हो जाएं अगर कम से कम माइनॉरिटी या फिर मुस्लिम समाज ये मान ले कि सामने वाले की आस्था, सामने वाले के भगवान राम जो है वो एक ही जगह पर हो सकते हैं बर्थ प्लेस, और उस मेजोरिटी की आस्था का हम अगर केयर कर लें, इन सबकी सियासी दुकानें तो आज ही बंद हो जाएं। वो अगर नहीं मानता, इसका मतलब यह है कि वो सामने वाले पर सवाल उठाता है तो सामने वाला जो है वो भड़कता है। देखिए, आस्था रामचंद्र जी में, हिंदुस्तान के हिंदू लोगों में है, और मुसलमान उनको इस तरह, मैंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सीरत की किताब पढ़ी थी, उसमें था कि राम और कृष्ण जी के बारे में अपनी जुबान से कोई बात ऐसी हल्की नहीं कहो, क्योंकि वो अल्लाह के प्रॉफिट हो सकते हैं, और प्रॉफिट होने की वजह से आप कोई बात उनके खिलाफ कहें तो वो आपके ईमान को तरजीह होगी। रही दूसरी बात, टाइटल की लड़ाई चल रही है बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की जानिब से, जिस जगह पर वो उनका जहां जन्म हुआ, हुआ जैसे यहां पर हिंदू कहता है कि हमारे लिए काबा के बराबर है, आप वहां पर कहते हैं कि खुद वहां पर प्रॉफिट साहब ने लिखा है कि उनके बारे में हल्की बात नहीं कीजिए, जब सामने देता है तो मुझे कहा जाता है कि दूसरे वाला जो है वो भड़कना चाहिए, वो संविधान में बिलीव नहीं करता। नहीं देखिए, संवैधानिक तौर पर जब अब लड़ाई इस बात की टाइटल की चल रही है तो दोनों फरीक को संविधान के एतबार से इंतजार करना चाहिए, अगर सुप्रीम कोर्ट हिंदू भाइयों के फेवर में करे तो उन्हें मंदिर बना देना चाहिए। तो कोई शक नहीं ना कि श्री राम का जन्म वहीं हुआ था, ये ऐतिहासिक मामला है, ऐतिहासिक तथ्य दीजिए उसे, सुप्रीम कोर्ट को मान लेगा। आपकी पुस्तक है, हमारे धार्मिक ग्रंथ उसका अंबार है, सारे के सारे अयोध्या और वो समस्त डेट, यहाँ तक कि उनकी जन्मपत्री तक यहाँ पर हमारे शास्त्रों में विद्यमान है, ग्रहों की दशा विद्यमान है। देखिए, मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा इसमें कि इससे ज्यादा डिटेल्ड किसी ने मस्जिद को मंदिर तोड़ के बनाया। आपका धर्म से मुझे बताइए आपको, अगर यही चीज सामने वाला धर्म की सर, मुझे एक बात बताइए, हाजी सामने वाला आपके रामायण जो है तुलसीदास ने अयोध्या में लिखी, तुलसीदास जी की रामायण में कहीं बाबरी मस्जिद का तस्करा है? बताइए। अरे क्यों नहीं है, उठा के पढ़ लीजिए, अगर आपने पढ़ा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर उस तथ्य को प्रेजेंट कर दिया गया है जनाब, 350 साल इसका तस्करा ही नहीं हुआ कभी किसी हिंदू, उससे पहले हिंदू भाई नहीं थे इस मुल्क में, मानस पुस्तक नहीं है। तुलसीदास जी ने अनेक ग्रंथ लिखे और वहाँ, अरे भाई तुलसीदास जी रामचरण जी रामायण लिख रहे, रामायण में तस्करा करना चाहिए, मेरा तो मिला नहीं कहीं आपके पास, उन्होंने प्रेजेंट किया है और उसके अंदर पूरा ऐतिहासिक तथ्य लिखा हुआ है साफ साफ। अकबर के दरबारियों में से थे तुलसीदास जी। आपके तथ्य क्या कहते हैं बताइए? मेरे तथ्य क्या कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट दोनों को सुन के क्या है मामला? टाइटल की लड़ाई का मामला है, लेकिन रामचंद्र जी की जन्म स्थली है या बाबरी मस्जिद का जन्म वहां हुआ था कि नहीं था, इसमें तो कोई लड़ाई नहीं है ना। ये तो 70 साल में 70 बार कांग्रेस बनवा देती अगर ऐसा होता। अगर क्या मतलब सर, अगर ऐसे तथ्य होते तो बनवा देती कांग्रेस, इन बीजेपी की जरूरत ही नहीं पड़ती। भाई साहब, अगर आपसे कोई प्रोफेट साहब के अस्तित्व पर सवाल उठा दे, किसी क्रिश्चियन भाई से कोई ईसा मसीह जी के ऊपर प्रश्न उठा दे, तो आप क्या उनके उनके उस समय का सबूत ला करके दे पाएंगे? ये 100% हमारे पास 100% सबूत है, हमारे पास खाली सबूत नहीं है। अरे आपके पास क्या सवाल है? आप तो कहते थे कि बायोग्राफी है, इनके यहाँ तो कहा गया कि पृथ्वी चपटी है और
के सबूत की बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा कितने सौ साल बाद लिखी गई बताइए देश को। अरे भाई कितने हजार साल बाद लिखी, आप पंडित जी यहाँ से उठ के बता नहीं सकते बाहर क्या बात कहते हैं। दस हजार साल पुरानी बात को आप कैसे सत्य सिद्ध हुआ है कि प्रभु श्री राम का जन्म उसी स्थान पर हुआ था। बात पे से दूर बता दो, दो ये निर्णय में आ चुका है अदालत की कार्रवाई में ये साबित हुआ है। तीन पार्टी को कुछ नहीं किया, उस जमीन को बांट दिया, क्या उस निर्णय में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। एक सेकंड सुनील चोपड़ा, सुनील चोपड़ा देखिए यहीं पर कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट हो जाता है। यही प्रॉब्लम है ना, जब यहाँ पर सामने वाला कम से कम इतनी चूट ले लेता है कि देखिए आपका तो मामला कोर्ट में है, वो टाइटल सूट है, लेकिन वो सवाल आपकी आस्था पे भी उठाएगा, वो सवाल आपके धर्म पे भी उठाएगा, वो ठीक है, वो सवाल आपकी उस जगह तक भी उठा लेगा कि भाई ये सबूत लेकर के आइए, आप जिसको मानते हैं वो वहां पर पैदा भी हुआ है कि नहीं पैदा हुआ है, ठीक है मैं सबूत लेकर के आऊंगा। फिर वो कम से कम सामने वाले से इतनी इज्जत की मांग करता है कि देखिए मुझे कुछ मत कीजिए, मैं यहाँ पर कुछ नहीं हूँ, मेरी आस्था का पूरा सम्मान होना चाहिए, आपकी आस्था गई तेल लेने। लेकिन कल्याण सिंह चोपड़ा मैंने देख ली इनकी आस्था ठीक है। अरे सर वो कह रहे हैं हमें इनकी जरूरत नहीं है, आप कह रहे जाके सबूत लेकर के आइए, हम आपने 407 बार लिखी है, आचार्य विक्रमादित्य जब आपसे सबूत मांगते फिरते हैं फिर इनकी आस्था का सम्मान किस बात से। एक सेकंड जब आपको यकीन ही नहीं, जब आपको यकीन नहीं सामने वाला जो है कोई नहीं था नहीं था, कोर्ट में प्रूव करके लाइए सर, कोर्ट में से प्रूव करके फिर आप मान लेंगे ने कहा था, आपको नहीं मान लेंगे। बहुत बढ़िया ठीक है करो। सुनील चोपड़ा वाजपेयी जी ने कहा था राज धर्म को इस्तेमाल करो, इन्होंने क्या किया, अडवाणी को तो प्रेसिडेंट बनने नहीं दिया, उसके ऊपर केस लगा दिया, और फिर कल्याण सिंह को आज भी गवर्नर रखा हुआ है राजस्थान का, क्या वो रिस्पॉन्सिबल नहीं था, क्या वो वहां नहीं था, चिट्ठी किसने लिख के दी थी केंद्रीय सरकार को हम कुछ नहीं होने सर, आप भी तो वही कर रहे हैं ना सर, आईएसआई से जिसके संपर्क है, आईएसआई से जिसके संपर्क है, जांच में आईएसआई से संपर्क निकल करके आते हैं, पीएफआई के ऊपर एक शब्द नहीं आता है, संघ कार्यकर्ताओं की इतनी ज्यादा हत्या होगी, उसके बाद आपको भी लग रहा है कि वहां पर रिलीजन वॉर ब्लड वॉर चल रहा है, इसमें कितने लेफ्ट कार्यकर्ता पाए जाते हैं, आपको लगता है कि नहीं आपको भी एक माइनॉरिटी वोट बैंक सूट करता है, वहां से आपको साथ रहना है, वो राजनीति आप कर लेते हैं उसमें भले खून बहे। मैं तो कह रहा मैं तो दोनों तरफ से सवाल उठा रहा हूं ना सर, एसडीपीआई पब्लिक पार्टी है 16 प्रांतों में सर, मैं पीएफआई की बात करना है तो बीजेपी 15 में करे, आप केरल का क्यों कह रहे हैं, मैं पीएफआई की बात कर रहा हूं, 16 प्रांतों में है पीएफआई, एसडीपीआई पीएफआई और पीएफआई भी सुनील जी आपके तथ्यों में बहुत ही भ्रांतता है, पाकिस्तान की इस बात का जवाब दीजिए ना, उसी पीएफआई के द्वारा स्थापित एसडीपीआई के साथ लोकल बॉडीज इलेक्शन में आप लोग खड़े होते हैं, सत्ता की मलाई आप उनके साथ खा रहे हैं जिनको एनआईए ने हथियार रखने और आर्म्स ट्रेनिंग कैंप चलाने के जुर्म में चार्जशीट किया है कि मैं नहीं जा सकता, और मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि आप जैसा वामपंथी भी अब रामचरितमानस के उदाहरण देने लगा है, जल्द ही आप भी राम राम करते हुए नजर आएंगे, क्यों नहीं, देश बदल रहा है और आपको और भी बता दें हमारे पूर्वज भी बड़े गुजर थे, आप हमें और कथा मत सुनाओ, अरे कथा तो आप ये बताइए ना कि किस प्रकार से मर्डर पॉलिटिक्स सीपीएम वहां कर रही है, एसडीपीआई और पीएफआई के साथ आप सत्ता की मलाई क्यों खा रहे हैं, बोल रहे हैं और 16 स्टेट्स में, अरे अरे झूठ तो आप बोल रहे हैं, आप ही क्या पुलिस विरोध कर रहे थे, उन्हें जेल में डाल दिया, आप कायर हैं जेल में क्यों डाला, उसको बताओ मुझे बता सकते हैं वहां पे कोर्ट में साफ साफ कह रहे हैं जो सबरीमला हमने एक्शन लिया आपके विरोध अंदर कर दिया, जो लोग दंगे कर रहे जो लोग वहां पर आपके अगेंस्ट वो उनकी प्रेजेंटेशन दे रहे थे उनको आप लोगों ने जेल में डाल दिया, उनकी पिटाई करी, क्यों करी उनकी पिटाई मुझे बताइए, हिंदू धर्म के लोग यदि अपनी धार्मिक आस्था की अभिव्यक्ति करते हैं तो उनकी पिटाई करते हैं आप लोग, उनको बार बार के जेल में डाल देते हैं, उनकी इसलिए आप लोगों को जेल में डाला, मुझे बताइए उन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया, केवल इस देश में संवैधानिक तौर पर विरोध करना कहीं नाजायज नहीं है,
बात को आप समझ ले, ये सारा खेल आप लोगों का है। जिस प्रकार से सबरी मला को आप लोगों ने बिल्कुल मर्डर कर दिया है मंदिर का, सबरी मला शांति में है, आप लोग केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से विध्वंस करने का कार्य करते हैं। वहां पर राम मंदिर के अगेंस्ट बोलते हैं, वहां पर सबरी मला के अगेंस्ट बोल दिया, और आप लोगों ने केवल इस देश में हिंदुओं के साथ खेल करने का कार्य कर रहे हैं, पूरा खेल कर रहे हैं। आजी खान साहब यहाँ पर चलो ठीक है, यहाँ पर ये सियासत की बात तो हमने बहुत बात की ना, और विक्रमादित्य इसका जवाब दीजिएगा। हाजी पाकिस्तान के साथ अगर यही खेल ठीक है, मैं आपसे सवाल बार बार पूछता रहा हूँ, साल हो गए थे, क्या यही स्थिति इसी तरह एसी स्टूडियो में बैठ करके सामने वाला जो कि मेजोरिटी में है, या फिर यूं कहें कि यहाँ पर हिंदू बहुल है, तो 80% 120 करोड़ लोगों की आस्था है अगर श्रीराम के साथ, वो पैदा का हुए थे, कोर्ट में प्रूव करके लाइए। ऐसा ही कहीं होता अगर किसी इस्लामिक राष्ट्र में कोई रह रहा होता और किसी मस्जिद का मामला चल रहा होता, तो वहां पर माइनॉरिटी कहती कि नहीं हमारे को तुम्हारी मस्जिद पे बिलीव नहीं है, ऐसे ही कोर्ट में कह रहे होते सर माइनॉरिटी के लोग, स्टूडियो में बैठ करके यही नैरेटिव होता सर, इतनी टॉलरेंस होती, ऐसा पॉसिबल था पॉसिबल था ऐसा किसी साल बिल्कुल इम्पॉसिबल था। पाश्चिम में आज भी मुझे बताइए इस देश में, आज मैंने कहा ऐतिहासिक तथ्य दिया है कि 2000 से ऊपर मंदिर तोड़ दिए गए, और अभी बात उठाई थी तुलसीदास की, तुलसीदास के दोहा शतक के अंदर उनका उन्होंने साफ साफ बाबर के ऊपर इस कृत्य के ऊपर बहुत बढ़िया से लिखा है, और वो हाईकोर्ट के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर वो तथ्य प्रेजेंट किए गए थे, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, और मैं इसके साथ में ये ला रहा हूं कागज यहां दिखा सकते हैं, मंत्र उपनिषद बाहुन भाई पुराण उपनिषद, यहां पर साफ साफ उन उपनिषदों के मंत्रों को रामचरितमानस के तुलसीदास जी दोहा शतक में से साफ साफ कहा गया है। कह तो रहे हैं हादी खान, या तो ना कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जाओ कोर्ट में जाके प्रूफ करके ले आओ, कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट के अंदर प्रूफ किया गया, इलाहाबाद कोर्ट के अंदर प्रूफ किया गया, इलाहाबाद कोर्ट ने साफ साफ एक बात कहा है कि वो अगर इसने बताया है भारतीय मुसलमान प्रभु श्री राम को इमाम हिंद मानने वाले हैं, इन जैसे और SDPI PFI MIM जैसे कुछ संगठन और कुछ लोग हैं जो मीडिया में और स्टूडियो में बैठ करके बाबर को भारतीय मुसलमानों से जोड़ते हैं और एक षड्यंत्र बांटने का कर रहे हैं इस देश में। लेकिन आपने पीछे भी प्रश्न उठाया था, मैं आपको एक लाइन में उत्तर दे रहा हूं, हमारी पार्टी ने राम मंदिर के ऊपर कभी चुनावी इस्तेमाल नहीं किया, और हम राम मंदिर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, राम मंदिर बनेगा, संवैधानिक दायरों में बनेगा, हम उनके राष्ट्र को गुमराह मत करो। झूठ तो आप बोल रहे हैं, सारे शाम झूठ बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, सुनिए, अभी आपने कोर्ट के निर्णय को मानने से मना कर दिया, उसी कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये वही स्थान है जहाँ पर श्री राम लला का जन्म हुआ था, और आप अभी सबूत मांग रहे हैं, तो मैं क्यों मांग रहा हूँ, मेरे फैसला देगा आप मानेंगे, हमें तो पूरी उम्मीद है अभी तक जिस प्रकार से कोर्ट ने निर्णय दिया है, साक्ष्यों के आलोक में सत्य पुनः सिद्ध होगा और सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार से देरी कर रहा है उनको भी नहीं करना चाहिए। जयराम विप्लव ये स्थिति नहीं आती, मैंने आपको बताया ना, मैं दोबारा उस पर जाता हूँ, जयराम विप्लव आप लोग भी कहते हैं स्थिति नहीं आती, अगर आपने उस वक्त जरा भेद किया होता कि आपको जवाब देना पड़ेगा, अब तो आप वोटों के लिए 200 से 282 के लिए इसको इंक्लूड कर रहे हैं, मैनिफेस्टो में दूसरे नंबर पर डाल रहे हैं, जब जवाब देने की बात आएगी क्योंकि मामला कोर्ट में है तब आपको जवाब देना होगा, लोग यही कह रहे हैं, और आस्था का सवाल तो उठेगा क्योंकि ये टॉलरेंस अगर ये कहते हैं वाहिद मुल्क है, तो ये वाहिद मुल्क ही है, ये वाहिद मुल्क इंडिया में ही पॉसिबल है कि उसी मेज पर बैठ के 120 करोड़ लोग ये कहते हैं कि यहाँ श्री राम अगर पैदा हुए तो वहां पर सामने हाजी खान साहब बैठ करके कहते हैं जब सबूत करके ला दो तो हम देखते हैं। हम नहीं मांग रहे, बिल्कुल सचिन भाई सुनिए, आपने कहा बिल्कुल, आपने बोला मोदी सरकार के 22 करोड़ में कोई शक नहीं है, राम से राम और राज से सियासत जो है वो राजनीति जो है वो ज्यादा हो रही है इस वक्त, आस्था कहीं ना कहीं पीछे रह गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।